अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से जो खबर आ रही है साथियों, सबसे पहले जो खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आ रही है। तो साथियों, मैं खबर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी खबर मैं आपको सुनाता हूँ या बताता हूँ, यदि खबर को लेकर किसी भी तरह का डाउट आपको होता है, को मन में आपके सवाल होता है, तो अरब टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ पे खबर को विस्तार में आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे इंग्लिश में लिखी होती, मैं आपको हिंदी और उर्दू में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से साथियों वहाँ पे एक्सपर्ट को गिरफ्तार किया गया वॉलेटिंग फॉर लॉ, यानी दोस्तों लॉ का उल्लंघन करने के आरोप में लगभग 351 प्रवासी मजदूरों को वहां पे गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग नेशनलिटी के और अलग अलग एरियाओं से। साथियों 351 एक्सपर्ट को जो पकड़ा गया है, सबसे ज्यादा पकड़ा गया साथियों खैतान से, महबूला, मंगब, सुवेक, इंडस्ट्रियल सिटी और सर्क, इन सभी जगहों से दोस्तों लगभग 351 लोगों को, प्रवासी को पकड़ा गया है, जो कि सभी के सभी इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, यानी किसी का वीजा लॉ का उल्लंघन, कोई रेसिडेंसी लॉ का उल्लंघन, कुछ लोग डोमेस्टिक वर्कर थे जिनका वीजा कहीं और था पर वो लोग काम कहीं और जाकर कर रहे थे। इस तरह से कुल मिला के लगभग वहां पे 351 लोगों को दोस्तों अरेस्ट किया गया है। तो भाई लोग कुवैत पे यदि आप लोग कोई भी रहते हो तो आप लोगों सभी को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कुवैत में जबरदस्त तरीके से वहाँ पे निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बारे में हमेशा आपको मैं बताता भी हूँ। तो यदि आप लोग किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, यदि आपका वीजा एक्सपायर कर चुका हो, रेसिडेंसी परमिट एक्सपायर कर चुका हो, कोई भी चीज एक्सपायर कर चुका हो, जल्दी से जाकर उसे रिन्यूअल करवा लीजिए, नहीं तो आप आज नहीं तो कल पक्का पकड़े ही जाओगे, फिर आपको वहाँ पे डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से जबरदस्त अभियान वहाँ पे चलाया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही साथियों, वो साथी एक महिला को अरेस्ट किया गया है अथॉरिटी की तरफ से। साथियों कुवैत में एक बहुत ही बड़ा मॉल है दोस्तों, मॉल के बारे में अभी मैं डिटेल नहीं दे पाऊंगा, वहां पे दोस्तों एक वीडियो वायरल हुई है। वायरल इस प्रकार हुआ कि एक महिला जो है मॉल के अंदर में अबॉन्डेंट तरीके से, यानी वो गलत कुछ व्यवहार करते हुए, गलत कपड़े पहनते हुए दोस्तों पैदल चलते हुए जा रही थी और पूरा चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोल रही थी, जिसके बाद किसी महिला के द्वारा या किसी मर्द के द्वारा वो वीडियो को शूट किया गया, वीडियो क्लिप को बनाया गया और सोशल मीडिया में डाल दिया गया, जिसके बाद दोस्तों उस महिला को फिलहाल अथॉरिटी की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। पूछताछ वगैरह अभी चल रही है, क्या मसला है क्या नहीं है। दोस्तों ये वीडियो इंटरनेट पे काफी ज्यादा भी वायरल भी हो रही है, तो कुवैत में भाई लोग यदि आप लोग होंगे तो ये वीडियो आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों वाले साथियों वो आ रही है एनुअल डिजिटल क्वालिटी को लेकर लाइफ इंडेक्स, जिसे DQL कहा जाता है। तो कुवैत को पूरी दुनिया में इस बार 63वां स्थान प्राप्त हुआ है इंडेक्स 5 पिलर में। कुवैत जो है दोस्तों बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी दे रहा है, लगभग 26वां प्लेस स्थान किया है, फेसिंग चैलेंज ऑफ सेक्रेटरी रैंकिंग 104 और नेशनल रैंकिंग 35 आया है। इंटरनेट में दोस्तों आया 45वां नंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आया 45वां नंबर और एनवायरमेंट में आया 66वां नंबर। तो साथियों कुवैत जो है इंटरनेट के मामले में काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से, इसके बारे में दोस्तों आप जानते ही होंगे। तो कुवैत के दोस्तों 66वां नंबर सभी चीज़ों में आया है। अगली खबर दोस्तों वाले साथी बहुत ही बड़ी खबर है इंडियन वर्कर को लेकर। बता दूं आपको दोस्तों, इंडियन प्रवासी को वहां पे गिरफ्तार किया गया है। खबर यह है कि इंडियन एक्सपर्ट अरेस्टेड फॉर मिलियन दिनार ऑफ फ्रॉड। दोस्तों मिलियन दिनार का फ्रॉड करते हुए एक इंडियन एक्सपर्ट को गिरफ्तार किया गया। खबर क्या है पूरी पढ़ के बताता हूँ। इंडियन एक्सपर्ट सॉट टू कनेक्शन। तो साथियों लगभग मान के चलिए कि वहां पे करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने के आरोप में एक इंडियन प्रवासी को अरेस्ट किया गया है। साथियों लगभग उस पर 38 से 36 केस उस पर वहां पे दर्ज किया गया था। फिलहाल उस पर बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी, बहुत ही ज्यादा फ्रॉड करने के आरोप में इंडियन प्रवासी को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर को यदि पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो दोस्तों आप अरब टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर पढ़ सकते हो, वहां पर आपको ये खबरें मिल जाएगी। तो दोस्तों छोटी सी अपडेट सी खबरें थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।